बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास सिक्स की अमेजिंग साइंस शेयर कर रही हूँ और ये ऑक्सफोर्ड की बुक है आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर फ़ाइव यूनिट नंबर फ़ाइव का क्या नाम है एयर इसकी रीडिंग शेयर कर रही थी वो कंटिन्यू करूँगी चले पेज ओपन कर लेते हैं पेज नंबर फोर्टी टू से हम कंटिन्यू करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स मौजूद हैं सबसे पहली लेयर का नाम होता है ट्रोफोस्फेयर द ट्रोफोसफेयर इज द लेयर नियरेस्ट टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट इज अबाउट किलोमीटर्स थिक एट द पोल एंड सिक्सटीन किलोमीटर्स थिन एट द क्वाटर इक्वेटर वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहली लेयर होती है जो कि अर्थ से सबसे करीब होती है टेन किलोमीटर्स ये थिक होती है मोटी होती है यानी और थिक कहाँ से पोल्स की तरफ से और सिक्सटीन किलोमीटर थिक कहाँ से होती है इक्वेटर वाली साइड से वन फिफ्थ ऑफ द ट्रोफोस्फेयर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन अब देखिए ट्रोफोसफेयर के अंदर वन फिफ्थ जो पार्ट है वो उसका ऑक्सीजन से भरा हुआ है यानी हमारे अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेयर एंड फोर्थ फिफ्थ इज ऑफ इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन और जो फोर्थ फिफ्थ इसका हिस्सा है वो नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है अदर गैसेज सच है कार्बन डाइऑक्साइड आर्गॉन एग्जेक्ट्रो आर प्रजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी लेकिन जो बाकी गैसेज हैं न जितनी भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आर्गॉन और भी बहुत सारी गैसेज हैं वो सारी जो हैं बहुत थोड़ी मिकदार में मौजूद हैं ट्रोफोसफेयर में अब है ट्रोफोफेस द ट्रोफोफेज इज द द्रोफोस्फेयर अब वो ट्रोफोस भी पढ़ते हैं तो मैं ट्रोफोफेस भी पढ़ लूँगी और आपके तरीके से जिस तरह आप पढ़ते हैं इजिली प्रोनाउंस कर सकते हैं ये जो लेयर है ये क्या है ट्रोफोस्फेयर के नीचे है अबव का मतलब होता है ऊपर है और बिलो का मतलब नीचे है तो यानी यह हमारी लेयर ऊपर है ट्रोफोस्फेयर से इट इज़ द बाउंड्री बिटवीन टोपोस्फेयर एंड द स्टेटोसफेयर ये क्या है ये एक बाउंड्री लाइन है ट्रोपोस्फेयर और स्टेटोसफेयर के दरम्यान गोइंग अपवर्ड फ्राम द सर्फेस इट इज द पॉइंट वेयर एयर चेजेज टू कूल विद हाइट एंड बिकम ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ड्राई बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ जाकर हमारी जो हवा है वो बहुत ठंडी हो जाती है हाइट पर जाकर और ड्राई भी इट डज हैव एनफ ऑक्सीजन फॉर लिविंग थिंग टू सर्वाइव सबसे ख़ास बात ये है कि इधर जो है लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकते इस लेयर में उसकी वजह यह है कि इसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है ऑक्सीजन की मकदार जो है वो कम मौजूद है ज़्यादा मौजूद नहीं एनफ का मतलब होता है कम मकदार में होना नेक्स्ट लेयर स्टेटोसफेयर स्टेटोस्फेर इज अब दोर अब ट्रोफोस्फेयर से ऊपर ऑक्सीजन अब वो कह रहे हैं इससे जो तीन किलोमीटर ऊंचाई पर जो है एक गैस मौजूद है जिसे हम ओजोन कहते हैं और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ऑक्सीजन होती है इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड अर्थ विच स्टॉप्स द हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग इट अब एक बात और इम्पॉर्टेंट इसके बारे में बता रहे हैं कि वो एक ओ ओजोन है ना ये एक बहुत खूबसूरत सी प्रोटेक्टिव लेयर है जिस जो इसकी वजह से जो सूरज की जो जला देने वाली जो लेयर्स हैं ना जो श्वाई हैं वो हम तक नहीं पहुँचती वो हमारी अर्थ को कवर करके बैठी हुई है ओ अगला है आइनोसफेयर द टॉप लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज द आइनो sphere there is very little air pressure present in it. Above 1600 kilometers above the earth the atmosphere fades to the space स्पेस अब वो कह रहे हैं ये सबसे ऊंची वाली लेयर है सबसे ऊपर वाली लेयर है आइनोसफेयर जो इस लेयर में क्या है खासियत इस लेयर की ख़ास बात ये है कि ये यह यहाँ पर एयर प्रेशर बहुत कम होता है अगला टॉपिक द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट वेन रेस ऑफ फ्रॉम द सन रिचिस द अर्थ जब सूरज की श्वाएं जमीन तक पहुंचती हैं दे देट द दे मेट द एयर ये हवा से मुलाकात कर लेती हैं हवा से मिल जाती हैं दे आर ऑल्सो मेट क्लाउड्स एंड पार्टिकल्स ये आल्सो इनकी मतलब इनका टकराव इनका मिलना साथ किसके साथ भी होता है क्लाउड्स के साथ भी और पार्टिकल्स के साथ भी सम ऑफ द layer आर रिफ्लेक्टेड बैक into the द स्पेस एंड सम आर by the द क्लाउड एंड पार्टिकल कुछ जो ऐसी जो रेज छुआएं होती हैं सन uh, की वो वापस चल जाती हैं और कुछ छुआएं ऐसी होती हैं जो बादल और डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर सम ऑफ द रेज पास थ्रू एंड हीट द सर्फेस ऑफ द अर्थ कुछ रेस इनकी ऐसी होती हैं जो आ जाती हैं और अर्थ में गर्माहट पैदा करती हैं अर्थ की सर्फेस पर The surface of Earth and the atmosphere also loses heat by radiating it back into the space. If they did not happen, the Earth become hotter and hotter. It would become very difficult for plants, animals and living things to live on Earth. reflect back तो इससे क्या होगा इंसानों के लिए पौधों के लिए जानवरों के लिए अर्थ में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी अभी देखिए कितनी गर्मी है और अभी हमें बर्दाश्त नहीं होती तो सोचिए कि जब अगर अर्थ सूरज की वो श्वाएँ भी आ जाएंगी जो रिफ़्लेक्ट बैक हो जाती हैं तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा अगला है एटमोसफेयर एंड विंड द एयर अराउंड द अर्थ इज़ नेवर स्टिल इट इज़ मूविंग

नीयर द ग्राउंड जब भी जो अर्थ की सर्फिस है वो गर्म हो जाती है तो वो जो जब हमारी जमीन है उसको भी वो हवा से की वजह से वो गर्माहट महसूस होती है हमें वॉम एयर एक्सपेंड्स एंड बिकम लिटर लाइटर दैन द सराउंडिंग एयर एंड सो इट बिकम टू राइज अब वो है द रजिंग करंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड थर्मल वो कह रहे हैं कि फिर जो वो गर्म हवा है वो फैलती है हवा में मिक्स होती है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है और इस करंट राइजिंग जो एयर है एयर में जो इस गर्माहट पैदा होने को हम क्या कहेंगे थर्मल थर्मल्स आर थर्मल्स आर यूज बाय ग्लेडियर पायलट्स एंड बर्ड्स टू फ्लॉट इन द एयर व्हेन दे इट कूल्स द एयर सिंक्स टूवर्ड्स ग्राउंड अगेन वो कह रहे हैं जो ये थर्मल्स है ना इनका यूज कौन कौन करते हैं ग्लेडियर ग्लेडियर पायलट्स करते हैं और परिंदे करते हैं ताके वो हवा में उड़ सके जब वो गर्म गर्म होना शुरू हो जाता है थर्मल तो क्या होता है कि वो ग्राउंड की तरफ आ जाता है वो जो पैराशूट टाइप होता है नेक्स्ट पेज पर है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज तो ये टॉपिक भी हम पढ़ लेते हैं एयर मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर हमेशा जो हवा है उसका रुख प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है ऑन सनी समर डेज गर्मी के दिनों में द लैंड गेट वार्मर फास्टर देन वाटर जमीन जल्दी गर्म हो जाती है पानी के बनस्बत लैंड वार्म्स अप एंड जो हवा है ना जमीन के करीब करीब वहां पर वो गर्मी वहाँ गर्म वो ज्यादा गर्म होती है जल्दी द एयर प्रेशर ओवर द लैंड इज लोअर लोअर द वाटर हवा में प्रेशर थोड़ा होता है पानी के बनीस्बत एंड सो एयर मूव इन फ्रॉम द सी इसी वजह से जो हवा है वो समुन्द्रों से आती है दिस इज कॉल्ड अ सी ब्रीज इसको हम सी ब्रीज कहते हैं कि समंदर की तरफ से ठंडी हवाएं चल रही हैं हम अक्सर सुनते हैं ना समुंदरी एरियाज की तरफ से ये इस वजह से होती हैं एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन क्विकली और रात के टाइम क्या होता है जमीन आहिस्ता आता ठंडी होना शुरू हो जाती है क्योंकि सूरज नहीं निकला हुआ होता बट द वाटर रिमेन्स वी फिर भी गर्म होता है द एयर अब एयर एयर क्या है, है कहा पानी के अंदर गर्म हवा है वो राइज होती है उठना शुरू होती है और, और चलती है एयर प्रेशर अब दॉटर इज लोअर दैन ओवर लैंड अब पानी में ज्यादा प्रेशर होता है पानी की तरफ एयर का बनिसबत लैंड के हैंस एट नाइट एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड टू द सी इसी वजह से हवा जो है रात के वक्त जो जमीन से समंदर की तरफ मूव करती है दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं इन दिस वे एयर सर्कुलेट्स बिटवीन सी एंड लैंड इसी ये प्रोसेस है सारा वो जिसके जरिए हवा सी और लैंड के درمیان रेगुलेट करती है मूव करती है ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपके साथ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज तक का टॉपिक डिस्कस कर लिया है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे इसके सारा टॉपिक को कवर करेंगे मुझे दीजिए इजाज़त अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अल्लाह हाफिज़